हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल। मायसेल्फ मोहम्मद जावेद, और आज आपका एनटीएसए का पेपर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपने काफी बढ़िया परफॉर्म किया होगा। मैं यहां पर आपके लिए लेकर आया हूं फिजिक्स के कंप्लीट सॉल्यूशंस, दैट इज द आरबीएस, दैट इज द राजस्थान एनटीएसए बोर्ड स्टेज फर्स्ट 2020। सो लेट्स स्टार्ट फॉर अवर फर्स्ट क्वेश्चन। अवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द वर्क एनर्जी पावर, एंड इसमें ऐसा बोला गया है कि वर्क फोर्स एंड टाइम आर रिप्रेजेंटेड बाय द ए बी सी एंड रेस्पेक्टिवली, देन अ टर्म ए अपॉन बी सी विल रिप्रेजेंट। तो यहां पर सिंबल सी जो बात है इसमें ए से रिप्रेजेंट किया गया है, ए इज रिप्रेजेंटेड बाय द वर्क, ओके, वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय द ए, एंड द बी इज, दैट इज द फोर्स, फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द बी, एंड द टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय द सी। हमसे ये पूछा गया है जो टर्म्स है ए अपॉन बी इंटू सी, ये कौन सी जो ऑप्शन में गिवन वैल्यूज है, गिवन जो वैल्यूज है उसको रिप्रेजेंट करने वाली है। तो यहां पर ए का मतलब है वर्क डन, ओके, बी का यहां पर मतलब है फोर्स, एंड सी इज रिप्रेजेंटिंग द टाइम। तो अगर हम यहां देखें वर्क डन विच इज इक्वल टू द फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमने वर्क को रिप्लेस कर दिया, ओके, फोर्स इंटू टाइम ऑलरेडी यहां पर मेंशन है, यहां से फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड द जो न्यू टर्म्स बनने वाली इट इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वी ऑल ऑफ नो दैट इट इज इक्वल टू द वेलोसिटी, सो द आंसर विल बी वेलोसिटी, ओके। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकंड, ओके, इट इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है किसी पार्टिकल की विच इज 10 मीटर पर सेकंड, और उसका एक्सेलरेशन भी हमें गिवन है, एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर 2 सेकंड, हमसे डिस्टेंस के बारे में बात की गई है, आफ्टर 2 सेकंड यानी कि टाइम हमें गिवन है 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद कितनी डिस्टेंस पार्टिकल कवर कर लेगा हमें यह फाइंड आउट करना है। सिंपल से हमारे पास इक्वेशन है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये 9th क्लास का जो मोशन चैप्टर है वहां से ये जो क्वेश्चन है इंक्लूड हुआ है। सो एस इक्वल्स टू यू टी, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी विच इज द 10 इन टू टाइम विच इज 2 सेकंड, प्लस हाफ एक्सिलेशन विच इज 4, एन टी स्क्वायर यानी कि टाइम का स्क्वायर 2, तो 2 का स्क्वायर जो बनने वाला है यहां पर इट इज इक्वल टू द 4। तो सोल्व करने पे एस इक्वल टू 10 इंटू 2 20, प्लस हाफ 4 इंटू 4 16 अपॉन 2 यानी कि 8, सो द आंसर विल बी 28 मीटर, 28 मीटर हमारा आंसर होगा, सो द आंसर विल बी ऑप्शन 4, ओके। नाउ हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इज, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन चैप्टर से। वी नो डेट एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। हमसे ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की यूनिट के बारे में बात की गई है, तो जी इक्वल्स टू यहां से फॉर्म होने वाला है एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू एम टू, और यहां पर एफ का मतलब है फोर्स, डेट इज द न्यूटन, ओके, आर का मतलब है यहां पर रेडियस, वो मीटर में होती है, ठीक है, तो 100 मीटर स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू एम टू, एम वन एम टू दोनों मासेस हैं किलोग्राम में, सो द किलोग्राम इंटू किलोग्राम डेट इज द किलोग्राम स्क्वायर, सो द ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट है उसकी जो यूनिट बनने वाली है इट इज इक्वल टू द न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर 2 में ये मेंशन है, सो द आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। नाउ हम थर्ड, अपने फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। इफ द स्पीड ऑफ अ वेव इज 350 मीटर पर सेकंड एंड इट्स वेवलेंथ इज 100 सेंटीमीटर, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव विल बी, इस क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। ये जो क्वेश्चन है साउंड चैप्टर से, वेव एंड साउंड मोशन उस चैप्टर से ये क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। तो यहां पर वी नो डेट द वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ये वेव का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, और हमें यहां पर फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है, सो द फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, ओके, और वेलोसिटी ऑलरेडी मेंशन है क्वेश्चन के अंदर विच इज 350 मीटर पर सेकंड, सो 350 अपॉन वेवलेंथ, वेवलेंथ हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर, ये सीजीएस यूनिट में गिवन है, हमें इसको पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। वी नो डेट 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द 1 मीटर इन एसआई यूनिट, सो आपको यहां पर 1 मेंशन करना है, 1 मीटर, ओके, मैंने 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर में कन्वर्ट किया है एसआई सिस्टम में, सो 350 अपॉन 1 अगर आप सॉल्व करोगे दैट इज द आंसर, इज द 350 बिकॉज इट इज द फ्रीक्वेंसी, सो आंसर विल बी इन हर्ट्ज, so the 350 hertz is the our answer, so answer will be B, okay, current option is B. Now question number 5, the wave having compression and the rarefaction is known as,
वो कौन सी वेव्स है जिसके अंदर कंप्रेशन और एफ्रेक्शन होता है? वी ऑल ऑफ नो डेट साउंड वेव्स एज अ टाइप ऑफ द लॉन्जिट्यूडनल वेव, साउंड वेव्स इज ऑलवेज प्रोपेगेट इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड द रेयरफैक्शन। तो यहां पर जो आंसर आने वाला है वो साउंड वेव होगा। साउंड वेव जिस वेव की टाइप होती है इट इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। यहां पर ट्रांसवर्स वेव, लाइट वेव, अल्ट्रा वायलेट वेव, ये सारी की सारी जो वेव्स है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टाइप्स है। ओके, सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल बी। ये अगेन ग्रेविटेशनल चैप्टर से एक क्वेश्चन है विच इज बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वी नो दैट द एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन होता है। ओके, सॉरी, ये फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूला में से कहा गया है जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट के बीच की वो आपने डिक्रीज कर दी है। बिटवीन टू मासेज इज डबल देन, सॉरी, जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर दी है, डबल कर दी है, उस केस में फोर्स कितना होगा, नया फोर्स कितना होगा? तो लेट्स अज्यूम द न्यू फोर्सेज इज एफ डैश इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। आर इज द डिस्टेंस, उसको हमने डबल कर दिया है तो यहाँ पर 2r का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, पहले डिस्टेंस r थी, अब हमने डिस्टेंस को डबल कर दिया 2r हो गई है, तो 2r स्क्वायर। जब इसको हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं तो जी एम वन एम टू अपॉन यहां पर सोल्व होने पर ये 4r स्क्वायर बनेगा। ओके, सो न्यू फोर्स f डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 और जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? यस, इट इज इनिशियल फोर्स। ओके, सो वन f डैश विल बी इक्वल टू द 1 अपॉन 4 f, यानी कि जो न्यू फोर्स होगा वो प्राइमरी फोर्स यानी कि जो इनिशियल फोर्स है उसका 1/4 होने वाला है। सो द आंसर विल बी 1/4। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 25 सेंटीमीटर इन डायप्टर, पावर ऑफ द लेंस विल बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लाइट चैप्टर से। पावर इक्वल्स टू, वी नो दैट पावर इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। ओके, और डायप्टर में आंसर पूछा गया है इन डायप्टर। डायप्टर इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। हमें फोकल लेंथ को भी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। फोकल लेंथ हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर, सो द फोकल लेंथ विल बी 25 अपॉन 100 मीटर। ये हमें क्वेश्चन में मेंशन है, मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। नाउ पावर इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ, सो पावर इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। एफ इज द 25/100 और 25/100, और जब आप इसको सोल्व करोगे इट इज द 4 डायप्टर। सो द आंसर विल बी 4 डायप्टर। अगर आप ऑप्शन में चेक करो इट इज द ऑप्शन नंबर 3, सो आवर करेक्ट आंसर विल बी 4 डायप्टर, ऑप्शन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ओके, ये डेट इज द बेस्ट ऑन द स्नेल्स लॉ, और इसमें आपसे पूछा गया कि अगर हम इस यहाँ पर जो ग्लास स्लेब है अगर हम यहाँ स्नेल्स लॉ को अप्लाई करें तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करने पर जो ऑप्शन है गिवन अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा होगा, यह हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले वी नो डेट द स्नेल्स लॉ स्टेट डेट साइन आई अपॉन साइन आर इज कॉन्स्टेंट। ओके, ये हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया हुआ है, कॉन्स्टेंट होता है। यहाँ पर आई का मतलब होता है इंसिडेंस एंगल, आर का यहाँ पर मतलब होता है रिफ्रैक्टेड एंगल। तो अगर आप यहाँ देखोगे इंसिडेंस एंगल हमेशा इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ फॉर्म करती है, तो इंसिडेंस एंगल ये होने वाला है। तो यहाँ पर इंसिडेंस एंगल होगा 90 माइनस ए। ओके, और सेम केस में रिफ्रैक्टेड एंगल वो भी नॉर्मल के साथ होता है, जो रिफ्रैक्टेड एंगल फॉर्म होगा यहाँ पर इट विल बी इक्वल टू द 90 माइनस बी। अब बस आपको सिंप्लीफाइड बस यही फाइंड आउट करना था, इंसिडेंस एंगल कितना है, रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है, और इंसिडेंस एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल को डायरेक्टली आपको इस फॉर्मूला में प्लेस कर देना है। तो साइन आई इंसिडेंस एंगल इज 90 माइनस ए अपॉन साइन आर, रिफ्रैक्टेड एंगल इज साइन 90 माइनस बी, सो साइन 90 माइनस बी। ओके, विच इज इक्वल टू द कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, अगर ऑप्शन में देखोगे आप साइन 90 माइनस ए अपॉन साइन 90 माइनस बी इक्वल टू द कॉन्स्टेंट, ये ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। नाउ लेट्स सी आवर क्वेश्चन नंबर 9। विच टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर कौन सी टर्म्स को रिप्रेजेंट, कौन सी टर्म्स से हम इलेक्ट्रिक पावर रिप्रेजेंट नहीं करती है? वी ऑल ऑफ नो डेट द इलेक्ट्रिक पावर, पावर इक्वल टू द वी आई होता है। ओके, यहां से वी को आप रिप्लेस कर दो वी इक्वल टू आई आर से, तो ये नया फॉर्मूला बनने वाला है पावर इक्वल टू वी इक्वल टू आई आर, आई आर इंटू आई, इट इज चेंजेस इंटू द आई स्क्वायर आर। ओके, और अगर इसी फॉर्मूले के अंदर आप V को रिप्लेस ना करके I को रिप्लेस कर दो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, सो पावर इक्वल्स टू V, I को रिप्लेस कर रहे हैं, और यहां से अगर आप देखोगे I इक्वल्स टू V अपॉन R, तो यहां पर I इक्वल्स टू V अपॉन R, तो एक नया फॉर्मूला बनता है V स्क्वायर अपॉन R, यानी कि पावर के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, पावर इक्वल्स टू V I हो सकता है, पावर इक्वल्स टू I स्क्वायर R हो सकता है, पावर इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R हो सकता है, लेकिन पावर इक्वल्स टू V अपॉन I नहीं हो सकता, और हमसे यही पूछा गया है डज नॉट रिप्रेजेंट। सो द ऑप्शन नंबर 1 विल बी द
करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर एक सर्किट हमें गिवन है, सर्किट के अंदर 5 रजिस्टर्स लगे हुए, आउट ऑफ 5 3 रजिस्टर्स आर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर आप इस सर्किट को सोल्व करना चाहते हो, यहाँ पर करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हो, तो उसके से पहले हमें सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। और यहाँ पर सिंप्लीफाइड 3 ओम 3 ओम 3 ओम के 3 रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है। मैंने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि अगर 3 सेम टाइप्स के रेजिस्टेंस, अगर सेम वैल्यू की रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो, उस केस में उनका जो इक्विवेलेंट होने वाला होता है वो होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो 1 2 3 3 यानी कि जो आंसर होगा 1 ओम, यानी कि इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम है। तो सर्किट कैसे चेंज हो गया, यहां पर 1 ओम कनेक्टेड है, अगेन आपने 1 ओम यहां पर फाइंड आउट कर लिया, डेट इज अगेन 1 ओम, और फिर से 1 ओम, ये लो 1 ओम। तो 1 ओम 1 ओम 1 ओम, और ये कनेक्टेड है विद अ बैटरी ऑफ 6 वाट, और आपसे पूछा गया है बैटरी ने कितना करंट डिलीवर्ड किया है। तो आपको करंट डिलीवर निकालना है बाय द बैटरी, सो आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। वी यहां पर बैटरी का वोल्टेज है, तो बैटरी का वोल्टेज कितना है 6, और आर का मतलब यहां पर है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। तो अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करो तो 1 1 1, यानी कि तीनों रेजिस्टेंस अगर आप सोल्व करोगे सीरीज में कनेक्टेड है, सो आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू द 1 + 1 + 1 यानी कि 3 ओम। तो आपको यहां पर 3 प्लेस करना है, एंड द करंट विल बी इक्वल टू आई इक्वल टू 6/3 यानी कि 2 एम्पियर। तो अगर आप ऑप्शन से देखोगे, ऑप्शन नंबर 3 में अप्रोप्रिएट आंसर हमें गिवन है, विच इज द 2 एम्पियर। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज द बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें एक सिंपल सी एक बात पूछी गई है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट। ओके, मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला होती है, बट मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट के बारे में बात की गई है। वोल्ट की अगर बात करें, इट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हर्ट्ज की बात करें, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओम मीटर की बात करें, इट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। और यहां पर वेबर जो है, इट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो अवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन बेस्ड है। ओके, जस्ट लाइक ऐसे सिंपल फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट हमें गिवन है 6 × 10³ न्यूटन मीटर। ओके, न्यूटन पर मीटर, और आपको फाइंड आउट करना है कितना वर्क करना होगा स्प्रिंग पर हमें कि 10⁻²⁰ मीटर से हम इसकी पोजीशन को रिप्लेस कर सके, चेंज कर सके। तो सिंप्लीफाइड हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला है, वर्क डन यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर द स्प्रिंग इक्वल्स टू द हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, सो यू इक्वल्स टू हाफ के, यहां पर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है विच इज 6 × 10³ इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स का मतलब है कितने से चेंजेस करना है। ओके, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 10⁻²⁰ मीटर से हम इसको चेंज करने वाले हैं, तो 10⁻²² का होल स्क्वायर। ओके, बस सिंप्लीफाई इसको सोल्व कर लेना है। तो U इक्वल्स टू यहाँ से 1/2 6 × 10³ को अगर आप सोल्व करोगे तो ये चेंज हो जाएगा 3 × 10³ में। ओके, 10⁻²² का होल स्क्वायर, तो इट विल बी इक्वल टू 10⁻⁴। और आपको यहाँ पर जब सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन को सोल्व कर लेनी है, जब आप इसको सोल्व करोगे इट इज इक्वल टू 3/10 विच इज इक्वल टू द 0.3, और ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, तो यूनिट आने वाली है इसकी जूल। सो अवर करेक्ट आंसर विल बी 0.3 जूल, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 3। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नाउ लेट्स सी अवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन नंबर 13 में दो ऑब्जेक्ट हमें गिवन है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, दोनों के मासेस भी हमें गिवन है m and 2m, और दोनों डिफरेंट हाइट पर है। फर्स्ट वन जो है वो h हाइट की डिस्टेंस पर है, और सेकंड वन जो है वो 3/4 h की हाइट पर प्रेजेंट है। हमें ये फाइंड आउट करना है कि दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी है उनका रेशियो कितना है। तो हमें बेसिकली रेशियो निकालना है, सिंप्लीफाइड करते हैं हम। सबसे पहले दोनों की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट वन, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। ओके, सो m कितना है यहाँ पर, डेट इज m, g कितना है, वो दोनों के लिए कॉन्स्टेंट है g, ठीक है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। और h हाइट की बात करते हो तो ये तो h हाइट पर है, तो सिंप्लीफाइड एक फॉर्मूला हमें मिला है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट a इज mgh। नाउ सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ b भी फाइंड आउट करते हैं। इसका जो मास है इट इज अ 2 times ऑफ प्रीवियस वन, 2m, ग्रेविटी एक्सेलरेशन दोनों के लिए कॉन्स्टेंट है g, और हाइट, इसकी जो हाइट है इट इज अ 3/4। So, यहां पर आपको 3/4 मेंशन करना है एंड h, इसको सिंप्लीफाई करके हम सोल्व कर लेते हैं। सो द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द ऑब्जेक्ट b इक्वल्स टू, डेट इज द 6/4 × mgh, उसको अगर आप सिंप्लीफाइड करो तो u b इक्वल्स टू 3/2 mgh।
हमसे ये पूछा गया है दोनों का रेशियो कितना है, तो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है बेसिकली. सो यू ए अपॉन यू बी, फर्स्ट वन ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी अपॉन सेकंड वन ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी. तो यू ए है वो तो एम जी एच के इक्वल है, सो द एम जी एच अपॉन यू बी विच इज इक्वल टू द 3/2 एम जी एच. सो द 3/2 एम जी एच, यहां से एम जी एच से एम जी एच कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर आप यू ए अपॉन यू बी फाइंड आउट करोगे तो इट विल बी इक्वल टू द 2/3. तो अगर आप ऑप्शन में देखोगे, ऑप्शन नंबर 2/3 ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, ये हमारे फिजिक्स के सारे सॉल्यूशंस है जो कि राजस्थान एनटीएससी स्टेज 1 2020 के हैं. आई होप आपके सारे क्वेश्चन करेक्ट रहे होंगे. बेस्ट ऑफ लक फॉर द सेकंड स्टेज. थैंक यू.